कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में भी हिमाचल प्रथम स्थान हासिल करे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवरात्रों में राजधानी के मंदिरों में स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इसी के तहत शिमला के प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कालीबाड़ी मंदिर के अलावा जाखू मंदिर, संकट मोचन मंदिर और तारा देवी मंदिर में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का यह स्पेशल अभियान 2 दिन के अलावा 30 नवंबर तक चलेगा। जो भी पात्र लोग रूटीन में कोरोना वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं, वह इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए सर, जो हमने ये मंदिरों में वैक्सीनेशन ड्राइव रखी है, इसका हमारा यही पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके, जो लोग रूटीन सेशन में छूट गए हैं, क्योंकि आजकल नवरात्रों के टाइम पे मंदिरों में काफ़ी भीड़ है, तो जो लोग छूट गए हैं उनको हम यहाँ पे वैक्सीनेट कर सकते हैं। और लोगों को तो ये सुविधा, जैसे कोई दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनको ये फैसिलिटी यहाँ पे मिल गई, तो लोगों को ईजी लगता है, तो इस करके लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अभी तक हमने 25 लोगों को वैक्सीनेट किया है। अभी फिलहाल हमारा 2 दिन का ड्राइव कालीबाड़ी में है, वैसे 30 नवंबर तक ये ड्राइव चलेगा, तो हमारा मंदिरों का और लोकल प्लेसेस का है। ये हमारे जितने भी लोकल शिमला के टेम्पल्स हैं, जैसे आपका जाखू में भी चल रहा है, संकट मोचन में भी चल रहा है और तारा देवी में।